हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स के थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.2 में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.3 में भी वही है। पहले क्वेश्चन में आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी जिनको सॉल्व करना है, मतलब कि उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से ही करना है। एलिमिनेशन आपके लिए न्यू है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हम 3.2 में कवर कर चुके हैं, और एलिमिनेशन ईजियर भी है सब्स्टिट्यूशन से और इम्पॉर्टेंट भी है। एग्जाम में अगर इक्वेशंस आती हैं और क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में कि किस मेथड से इसको सॉल्व करें, आप एलिमिनेशन से ही करेंगे। ओके, चार ईजी स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट इज इक्वेट कोफिशियंट्स ऑफ अ वेरिएबल विद डिफरेंट साइन। इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, दो इक्वेशंस हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x-3y=4। तो आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट्स को इक्वेट करना है, इक्वल करना है, और इक्वल हम हमेशा करते हैं मल्टीप्लीकेशन से। तो एक्स के कोफिशियंट्स अगर हम देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट 1 है। 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके आप 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को हम 2 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप या तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते ये 2x हो जाएगा, ये 2y, ये 10 हो जाएगा, x के कोफिशियंट्स इक्वल हो गए। या फिर अगर आप y वेरिएबल के कोफिशियंट्स इक्वल करना चाहते हैं, y का यहाँ पर कोफिशियंट है 3, यहाँ पर है 1, तो आप 1 को 3 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो फिर पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x, 3y, और ये हो जाएगा 15। y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए। ये फर्स्ट स्टेप है, सॉल्व कर लेते हैं साइड बाय साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 2x-3y=4, सेकेंड इक्वेशन। हम अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये नहीं करना है कि अगर आपको 2x बनाना है तो आप सिर्फ 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, बाकी एज इट इज रहे। इक्वेशन में जब भी कोई चेंजेस होते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो वो दोनों साइड में होते हैं, पूरी इक्वेशन में होते हैं। ओके, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2। तो क्या होगा, 2 × x होगा 2x, प्लस 2 × y होगा 2y=5 × 2 होगा 10। फिर से जब आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS RHS दोनों में मल्टीप्लीकेशन होती है, और सभी टर्म्स में भी मल्टीप्लीकेशन होती है। जैसे LHS में दो टर्म्स हैं तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, RHS में एक कॉन्स्टेंट है उसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी हमारी इक्वेशन हो गई है 2x+2y=10। सेकेंड इक्वेशन है 2x-2y=4। इसको एज इट इज रखेंगे, हमेशा दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं, क्योंकि इनको हमें लास्ट में कंबाइन करना है, ऐड करना है। सो सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे रखा, 2x-3y=4। अभी ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नई इक्वेशन है, और ये सेकेंड इक्वेशन एज इट इज है। ओके, फिर से फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। इक्वेट कोफिशियंट्स ऑफ अ वेरिएबल विद डिफरेंट साइन। तो हमने इक्वेट तो कर दिया एक वेरिएबल को, देखते हैं कि क्या दोनों के साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। इस केस में क्या है, 2x हमारे इक्वल हो गए हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, दोनों के साइन डिफरेंट नहीं है। अभी आपको इनके साइंस डिफरेंट करने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन है आपकी, इसमें सभी टर्म्स के LHS और RHS दोनों में ही सबके साइंस चेंज कर देते हैं। 2x पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, इस तरीके से सर्कल में इनको रखते हैं। कहने का मतलब है कि हमने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 से। लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, पूरे को माइनस करके सबके साइन चेंज करके दिखाने की ज़रूरत है, सिर्फ नीचे हम इसको ऐसा लिख देते हैं। अभी ये इसके फाइनल साइंस माने जाएंगे, ये -2x है, ये +3y है, और ये -4 है। ओके, अभी हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, साइंस भी डिफरेंट है और कोफिशियंट्स भी हमने इक्वल कर दिए हैं एक्स के। सेकेंड स्टेप क्या है, कंबाइंड द इक्वेशंस टू एलिमिनेट अ वेरिएबल। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, कंबाइन मतलब ऐड करेंगे, और एक जो वेरिएबल है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे,
ऐड किया एडिशन में, जैसे लाइन हम ड्रॉ करते हैं 4+2 में, ऐसे वैसे ही आपको करना है 2x-2x, ये साइन इसका फाइनल माना जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। यही रीजन था कि हमने दोनों के कोफिशेंट्स को इक्वल किया डिफरेंट साइन के साथ, क्योंकि अगर सेम चीज़ें हैं साइन डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल 4x है, 14x है, दूसरा -14x है, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा, एक -20y है, दूसरा +20y है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बचेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, x एलिमिनेट हो गया, इसलिए इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है, क्योंकि हम इसमें एक वेरिएबल को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। x गया, अभी y बचा, बाकी की इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 2y+3y कॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा, ये प्लस इसका फाइनल साइन माना जाएगा, तो 2y+3y हो जाएगा 5y, ऐड करेंगे दोनों को, इक्वल टू 10-4, 10-4 इज 6, 5y इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन बनी है। न्यू इक्वेशन शुड हैव ओनली वन वेरिएबल, नई इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल है बस, y ही बचा क्योंकि x एलिमिनेट हो गया है। नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6/5, y की वैल्यू आपको मिल गई, इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, x बचा है, उसके लिए लास्ट स्टेप है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सॉल्व वेरिएबल, एक वेरिएबल को हम सॉल्व कर चुके हैं y को, उसकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इनटू एनी ऑफ ओरिजिनल इक्वेशंस एंड सॉल्व इट। ओरिजिनल इक्वेशन हमारी दो है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x-3y इक्वल टू 4, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ज़्यादा आसान रहेगी क्योंकि ये छोटी इक्वेशन है, कोई भी वेरिएबल का कोफिशेंट नहीं है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अभी आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओरिजिनल इक्वेशन जो आपने मल्टीप्लाई करके बनाई है वो नहीं, क्योंकि 1 ओरिजिनल ये थी, हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बनाई थी, दोनों सेम ही है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 2x 2y 10, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। हम हमेशा ओरिजिनल जो इक्वेशंस हैं उनमें से जो इजी हमें लगे उसमें वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, y कितना है आपका 6/5, ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, 6/5 को एज इट इज़ RHS में ले जाते हैं, x इक्वल टू 5-6/5 कितना होगा, x इक्वल टू 25-6, 5 5 25, 19/5, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये है एलिमिनेशन मेथड। एक तरीके से इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अगर सपोज करिए कोई बच्चा y को इक्वल करना चाहे, क्योंकि हमें कहा गया था कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशेंट्स इक्वल करने हैं, दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों में से किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए यही क्वेश्चन था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x-3y इक्वल टू 4, अभी हमने x के कोफिशेंट को इक्वल किया था 2 से मल्टीप्लाई करके, अब दूसरे तरीके से करते हैं, y के कोफिशेंट्स को इक्वल करते हैं, y है यहाँ पर 3y है, तो y को हम 3y बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, स्टेप्स आप लिख लेंगे, हम सिर्फ रफली सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना होगा, एक नई इक्वेशन बनेगी, 3 × y, ये हो जाएगा, हम कहेंगे मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन 1/3 कितना होगा, 3x+3y = 15, जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को करते हैं, और सभी जितने भी टर्म्स हैं सबको करते हैं, दूसरी इक्वेशन एज इट इज़ इसके नीचे आएगी इक्वल टू 4, ये इसमें हमने कुछ नहीं किया, 3y 3y इक्वल हो गए। फर्स्ट स्टेप था कि वेरिएबल्स को आपको इक्वेट करना है विद डिफरेंट साइन, तो देखो यहाँ पर पहले से ही डिफरेंट साइन है, ये 3y पॉजिटिव है, 3y नेगेटिव है, तो एक स्टेप हमारा बच गया, अभी आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेम होते साइंस, यहाँ पर y भी पॉजिटिव होता तब आप उस स्टेप को करते डिफरेंट साइन करने के लिए, अगर साइंस पहले से ही डिफरेंट है तो सीधा आप एलिमिनेशन लगाएंगे। अभी डायरेक्ट आपको दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, 3x+2x हो जाएगा 5x, और 3y-3y ये हो जाएगा कैंसिल, इक्वल टू 15+4 हो जाएगा 19, x कितना होगा सॉल्व करेंगे 19/5, डायरेक्ट यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखिए हमने जब सॉल्व किया था तो भी x 19/5 ही था, और अब x की इस वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में,
इसमें या फिर इसमें, और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव आसान है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव था, एक्स है 19/5 इक्वल टू फाइव, तो वाई हो जाएगा 5 माइनस 19/5, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 19 इज 6, 6/5 वही आंसर्स आ गए हैं हमारे। तो किसी भी एक वेरिएबल को इक्वेट करके आप एलिमिनेट करेंगे और फिर दूसरे को सॉल्व करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये है एलिमिनेशन मेथड। उसने कहा था, क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करना था, एलिमिनेशन से हम दो बार कर चुके हैं, अभी करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम 3.2 में भी कवर कर चुके हैं, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू था 5 फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल टू था 4 सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन में हम किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हमने ली फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस वाई था 5, तो x हो जाएगा 5 माइनस वाई। ये थर्ड इक्वेशन है जो हमने बनाई है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब क्योंकि हमने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है y की टर्म्स में, इसको पुट करेंगे हम सेकेंड में। अगर सेकेंड से फाइंड करते तो फर्स्ट में करते, जिस इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उससे दूसरी इक्वेशन में आपको उसको पुट करना है। अभी आप कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ x या फिर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो 2x की जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस y, ये हो गया 2x, आगे है माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू 4, 2y 3y हो जाएगा 5y इक्वल टू 4, 5y को RHS में ले जाते हैं, 4 LHS में आ जाएगा, नंबर्स को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, सो 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y, 10 माइनस 4 इज 6 इक्वल टू 5y, तो y कितना हो जाएगा 6/5। देखो एलिमिनेशन से हमने किया था तब भी y 6/5 ही था। ओके किसी भी मेथड से सॉल्व करो, सोल्यूशन तो सोल्यूशन है, आंसर सभी से सेम ही आएगा। अभी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो हम करेंगे थर्ड इक्वेशन से, जहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड की थी इन टर्म्स ऑफ y। तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 थी x इक्वल था 5 माइनस y के, सो 5 माइनस y कितना है 6/5, x इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 6 इज 19/5। क्लियर, ये दोनों मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे, x 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये है फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये है सेकेंड इक्वेशन। किसके कोफिशेंट्स को इक्वल किया जाए, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, हालांकि ये भी हो सकता है, लेकिन 3 को 2, 2 को 3 आप नहीं बना सकते। y को चेक कर लेते हैं क्या ऐसा हो सकता है, 4 है 2 है, 2 को हम 4 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें y के कोफिशेंट्स को इक्वल करना ईजी है x के कंपेरिजन में। अगर x के कोफिशेंट्स को इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, तो फिर क्योंकि 3 2 और 2 तो 3 नहीं बन सकता, तो 3 और 2 का LCM हम लेंगे, 3 और 2 का LCM होता है 6, दोनों को हम 6 बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 6x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये भी 6x हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर जैसे एलिमिनेशन करते हैं वैसा करेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, फिर 6x और ये भी नंबर्स ग्रेटर आएंगे, 8 होगा, 3 2 ज़ार ये 6 हो जाएगा, 20, 3 2 ज़ार 6 होगा। इससे इजी ये है कि हम सिर्फ सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और y के कोफिशेंट्स को इक्वल कर लेते हैं। कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि x को करना है या y को, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशेंट्स को इक्वल करना है, तो हमारे लिए ये आसान है, इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को हम 4 बना सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, सेकेंड इक्वेशन को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे भी इनमें डिफरेंट साइन है, एक और स्टेप हमारा कम हो जाएगा,
साइन भी हमें नहीं चेंज करने पड़ेंगे। तो पहली इक्वेशन तो वैसी की वैसी ही है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4x प्लस 2 2 ज़ार 4, सॉरी माइनस, साइन वही रहेंगे, माइनस 4y इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, 2 ही था सभी, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ओके, इक्वल टू 4, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई है। इसमें भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट पहले लिखनी है, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन ऊपर लिखो नीचे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अगर आपको 4 और 5 को ऐड करना है आप ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, बात सेम है, तो पहले इस इक्वेशन को लिखो बाद में इस इक्वेशन को लिखो वो मैटर नहीं करता। अभी कोफिशेंट्स इक्वल हो गए हैं वाई के, साइन भी डिफरेंट है, तो अब हम इनको कंबाइन करेंगे, 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, 4y माइनस 4y ये हो जाएगा कैंसिल, एलिमिनेट हो गया y क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ें हैं डिफरेंट साइन के साथ, इक्वल टू में 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, x के लिए सॉल्व करते हैं, 7 डिनोमिनेटर में जाएगा, 7 2 ज़ार 14, x की वाली यहाँ से आ गई 2, x है 2। अभी y फाइंड करेंगे किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके, कौन सी आसान रहेगी, 3 4 10 2 2 2, इसमें छोटे नंबर्स हैं तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, माइनस 2y एज इट इज़ इक्वल टू 2, 2 2 ज़ार 4, 2y को उधर ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, 2 इक्वल टू 2y, तो y हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, x है 2y है 1, ये इसका सोल्यूशन है। क्या किया एलिमिनेशन में हमने, सिंपली सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 2 से, जिससे कि ये 4 हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करने से 4y सेम हो गए हैं डिफरेंट साइन के साथ, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखा कैंसिल हुई, 4 3 7 हो गया इक्वल टू 14 हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई, 2 आते ही इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी 2, यहाँ से y फाइंड कर दिया, ठीक। अब करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट या सेकेंड किसी भी एक इक्वेशन से x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की कर लेते हैं ऊपर से या फिर नीचे से, सेकेंड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से करते हैं x की वैल्यू फाइंड, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यहाँ से 2x हो जाएगा 2 प्लस 2y और x हो जाएगा 2 प्लस 2y बाय 2, ठीक, 2 कॉमन लेके इसको 1 प्लस y बाय 1 भी कर सकते हैं, पर कोई नहीं, जब वैल्यूज पुट करेंगे वो तब भी कैंसिल हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन है, x की वैल्यू हमें मिल गई, अभी इसको क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन से फाइंड की है वैल्यू, तो पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सो पुट वैल्यू ऑफ y या फिर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, फाइंड क्योंकि सेकेंड से की है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, एक्स की जगह हमने रखा 2 प्लस 2y, 3 इंटू 2 प्लस 2y बाय 2 प्लस 4y एज इट इज इक्वल टू 10, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 2 ज़ार 6y बाय 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 2 एलसीएम लेंगे 6 प्लस 6y, 4 2 ज़ार 8y इक्वल टू 10, 6 प्लस 8 प्लस 6 14y बाय 2 इक्वल टू 10, 2 RHS में जाएगा, 6 प्लस 14y, 10 2 ज़ार 20, 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 14 इक्वल टू 14, सो y इक्वल टू 14/14 यानी कि 1, y की वैल्यू है 1, सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन से भी हमने किया था तो y 1 ही था, 1 इक्वल टू y या फिर y इक्वल टू 1, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन थी 2 प्लस 2y बाय 2, x इक्वल टू 2 प्लस 2y बाय 2, और y कितना है, y है 1, तो वैल्यू पुट की 2 प्लस 2 इंटू 1 बाय 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 प्लस 2 4 बाय 2, 2 x इक्वल टू 2,
एक्स टू और वाई वन ही हमारा एलिमिनेशन से था, एक्स टू वाई वन। एलिमिनेशन बहुत ईजी है इसके कंपैरिजन में, सीधा आपने टू से मल्टीप्लाई किया, कैंसुलर 7x49x2 आ गया। इसमें पहले आपने वैल्यू पुट की, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की दूसरे की टर्म्स में, फिर उसको पुट किया, जनरली वो फ्रैक्शन में आती है अगर एक्स और वाई दोनों के कोफिशियंट कोई नंबर्स हैं, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करते रहो, दूसरी तरफ जाएगा एक वेरिएबल निकलेगा, फिर उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इसमें जो इक्वेशंस आपको गिवन है ये है, फर्स्ट इक्वेशन को पहले थोड़ा एडजस्ट करना होगा, 3x-5y-4=0। वैसे हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ax+by+c=0। सब कुछ एक तरफ होता है, दूसरी तरफ हम इक्वल टू जीरो रखते हैं, लेकिन जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा एक तरफ वेरिएबल की टर्म्स रखते हैं और दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो इसको एडजस्ट आप करेंगे, 4 को RHS में ले जाएंगे, आप कहेंगे 3x-4y, 4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 0+4 यानी कि 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब जैसे हम सॉल्व करते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकेंड है 9x=2y+7 के, इसमें भी वही करेंगे, पहले 2y को ले आते हैं RHS में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2y, यहाँ से 2y चला गया तो बचा सिर्फ 7। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन है। अभी एलिमिनेशन से हम पहले सॉल्व कर रहे हैं इसको, एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है उसके लिए पहले कोफिशियंट्स इक्वल करने होंगे। दोनों इक्वेशन को देखते हैं, 3x-9x, इधर है 5y 2y। पहले ये देखते हैं क्या किसी डायरेक्ट एक को मल्टीप्लाई करके आप दूसरा नंबर, दूसरा कोफिशियंट बना सकते हैं। ऑब्वियसली 2 ही 5 बन सकता है, छोटे नंबर को ही बड़ा नंबर बना सकते हैं, तो 2 तो 5 नहीं बनेगा। 3 को देख लेते हैं, 3 9 बन सकता है 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हो गया काम, हमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, इसको करना है 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3s are 9, 9x-5 3s are 15, इक्वेशन मतलब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, -15y=4 3s are 12। ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन को वैसा का वैसा ही रख देंगे, 9x-2y=7। अभी कोफिशेंट इक्वल हो गए हैं लेकिन डिफरेंट साइन के साथ होने चाहिए, इनके साइन डिफरेंट नहीं है, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें हम सबके साइन चेंज कर देते हैं। ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, RHS के टर्म्स के भी साइन चेंज करने हैं। अभी ये इनके फाइनल साइन माने जाएंगे, ये होगा -9x, इसे हम कहेंगे +2y, और ये होगा -7। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, 9x-9x कैंसिल हो गया, -15y और +2y, -15 + 2 हो जाएगा -13, सो -13y=12-7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, ये होगा 5। -13y=5, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y इक्वल होगा 5/-13, -13 डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था y के साथ। इसको +13 नहीं करना है इधर लाकर, क्योंकि आपको ऑपरेशन देखना है, 13 ऐड नहीं हो रहा है y के साथ, जो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जो RHS में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -13 हमारा नंबर है विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो जब -13 पूरे ही नंबर को आप लेकर आएंगे RHS में, वो डिवीजन में जाएगा। नेगेटिव नंबर को कभी भी हम नेगेटिव टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, आता है तो भी उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, माइनस ऊपर चला जाएगा, -5/13, ये y की वैल्यू है। अभी इसको ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर लेंगे, ओरिजिनल मतलब जो आपने एडजस्टमेंट के बाद बनाई है, या तो इसमें या इसमें, ये थोड़ी सी लेंदी लग रही है, लेंदी नहीं, नंबर्स इसमें बड़े हैं, 9 है 2 7, ये आसान है 3 5 4, इसमें पुट करते हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन क्या थी, 3x-5y=4। वाई की वैल्यू कितनी है, -5/13, इसमें इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, 3x as it is -5, y की जगह हमने रखा -5/13=4, सो 3x-±+5 5 5s are 25/13=4। RHS में ले जाएंगे 25/13 को, सब्ट्रैक्शन में जाएगा उधर, 3x = 4-25/13 के,
इक्वल 13 4 ज़ार 26 39 52 माइनस 25 बाई 13, 3x इक्वल 12 माइनस 5 7 4 माइनस 2 27 बाई 13। अभी 3 को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे 13 के साथ, x इक्वल होगा 27 बाई 13, पहले से ही था, 3 भी डिवीजन में चला गया, तो 13 के साथ उसको मल्टीप्लिकेशन में हम रखेंगे, 3 9 ज़ार 27, सो x इक्वल होगा 9 बाई 13 की। x है 9 बाई 13 और y है -5 बाई 13। ठीक, ये हमने किया है एलिमिनेशन से, अभी करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन, ठीक, इक्वेशंस क्या थी हमारी, 3x माइनस 5। अच्छा, पहले तो वही करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, 9x इक्वल था 2y प्लस 7 के, सो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट या सेकेंड किसी से भी x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट से x की ही कर लेते हैं, हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, सो 3x यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 5y, x हो जाएगा 4 प्लस 5y बाय 3, x की वैल्यू y की टर्म्स में, और अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y या फिर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, सॉरी वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड की है इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 7, x की जगह हमने रखा 4 प्लस 5y बाय 3, तो 9 बाहर एज इट इज, x की जगह 4 प्लस 5y बाय 3 -2y एज इट इज इक्वल टू 7 एज इट इज, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5y को, 3 4 ज़ार 12 प्लस 3 5 ज़ार 15y -2y इक्वल टू 7, 12 15y माइनस 2y, ये होगा 13y इक्वल टू 7, सो 13y इक्वल टू 7 माइनस 12, 12 आर एच एस में जाएगा सब्ट्रैक्शन में, 7 माइनस 12 इज़ -5, तो y इक्वल होगा -5 बाय 13 के। देखिए, जब एलिमिनेशन से हमने सॉल्व किया था तो भी y -5 बाय 13 था। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 जो हमने बनाई थी x की वैल्यू के लिए y की टर्म्स में, 4 प्लस 5y बाय 3, x इक्वल था 4 प्लस 5y बाय 3 के, तो x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 5y, मतलब -15 बाय 13, और पूरे के अपॉन में है 3। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, बाय 3 एज इट इज रहेगा, 4 प्लस 5 15 5 ज़ार 75, और ये -75 होगा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस के 75 बाय 13, और पूरे के नीचे है 3। इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है। x इक्वल 4 बाय 1, 13 4 ज़ार 52 -70, कुछ रॉन्ग किया हमने यहाँ पर, सॉरी, ये -13y इक्वल टू -5 था, ये -5 है, 15 लिखते हैं यहाँ पर, -5 बाय 13, y -5 बाय 13 ही था एलिमिनेशन से भी। ठीक, ओके, ये है -5 ना कि -15, -5 बाय 13, 5 5 ज़ार 25, ये 25 होगा ना कि 75, ये होगा 25, अपॉन में 13 है और इस पूरे के नीचे है 3, सो x इक्वल होगा 52 माइनस 25 7 2 27 27 बाय 13 अपॉन में 3। जब इस तरीके की कंडीशन आती है, ऊपर दो नंबर्स हैं, नीचे भी हम दो नंबर्स करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग करेंगे, 3 को हम 3 बाय 1 लिख सकते हैं, 27 बाय 13 बाय 3 बाय 1, और इस केस में जो मिडिल नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बाहर वाले नंबर्स आपस में, मतलब कि आप कहेंगे 27 इंटू 1 ऐसे, और 3 इंटू 13, 3 9 ज़ार 27, 9 इंटू 1 इज़ 9, एक्स इक्वल टू 9 बाय 13, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x बाय 2 प्लस 2y बाय 3
इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस वाई बाई थ्री इक्वल टू थ्री। हम इसको फ्रैक्शन में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये माइनस वाई बाई थ्री है, ये प्लस के टू वाई बाई थ्री है, टू से मल्टीप्लाई करते हैं ये टू वाई बाई थ्री हो जाएगा, टू सिक्स, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बेटर रहेगा अगर कभी भी इस तरीके की इक्वेशंस आएँ, यहीं पर पहले इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। सिंपल जो इक्वेशंस है समथिंग एक्स समथिंग वाई, नंबर्स जो फ्रैक्शन में ना हो इस तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन कैसे, एक्स बाई टू प्लस टू वाई बाई थ्री इक्वल टू माइनस वन, ये आपको इक्वेशन गिवन थी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें एलसीएम लेकर पहले हम यहीं पर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम कहेंगे एलसीएम आया टू और थ्री का सिक्स, टू थ्री ज़ार सिक्स, थ्री इंटू एक्स इज थ्री एक्स, थ्री टू ज़ार सिक्स, टू इंटू टू फोर वाई इक्वल टू माइनस वन, माइनस सिक्स को माइनस वन के साथ ले जाइए मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल टू ये होगा माइनस सिक्स। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। यहीं पर ये दो स्टेप्स भले ही बढ़ गए हों, लेकिन ये सिंपल सी इक्वेशन आपको मिल जाएगी, जैसा आपने पहले तीन क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। ठीक, ऐसे सेकंड इक्वेशन को भी फ्रैक्शन में अगर रखेंगे, एंड तक फ्रैक्शन में ऐड करना, अगर सपोज करिए आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो ये होगा टू एक्स टू वाई बाई थ्री इक्वल टू थ्री, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद एक्स बाई टू को आप ऐड करेंगे टू एक्स के साथ, वहाँ पर एलसीएम लेंगे, ऊपर एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स बनेगा, सामने भी नंबर फ्रैक्शन में होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आप कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशन को। सो इससे अच्छा है पहले सॉल्व कर लेते हैं, ओके आगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी एक्स माइनस वाई बाई थ्री इक्वल टू थ्री, जो उन्होंने दी थी, हम अपनी सेकेंड उसको मानेंगे जो हम इसको ईजी करके जब बनाएंगे तब बनेगी। ये एक्स बाई वन है तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री क्योंकि एलसीएम है, वन इंटू थ्री इज थ्री, ऊपर भी थ्री से मल्टीप्लाई होगा, थ्री एक्स माइनस वाई एज इट इज, यहाँ पर थ्री था, एलसीएम भी थ्री ही है, एलसीएम सेम है तो ऊपर का नंबर भी सेम रहेगा, इक्वल टू थ्री। सो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, थ्री इज़ आर नाइन, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब दो आसान सी इक्वेशन बन गई, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन, एलिमिनेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, 3x 3x इक्वल पहले से ही है, हमारा पहला काम होता है कोफिशिएंट्स को इक्वल करना इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, उसकी ज़रूरत ही आपको नहीं है, कोफिशिएंट्स पहले से इक्वल है, तो बस हम नंबर्स को जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको ऊपर नीचे रखते हैं कंबाइन करने के लिए। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस सिक्स, दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू नाइन। कोफिशेंट्स तो इक्वल है लेकिन साइन डिफरेंट नहीं है, हमें साइन भी डिफरेंट करने हैं जिससे कि जो वेरिएबल है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाए, तो माइनस प्लस माइनस, सभी नंबर्स के साइन चेंज किए, 3x 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस वाई, ये प्लस इसका फाइनल साइन है, ये होगा 5y इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस माइनस नाइन माइनस सिक्स माइनस फिफ्टीन, तो y इक्वल होगा माइनस फिफ्टीन बाई फाइव, फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, वाई इक्वल टू माइनस थ्री, वाई की वैल्यू है। x फाइंड करेंगे ओरिजिनल किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड में वैल्यू पुट करके, आपकी ओरिजिनल इक्वेशंस ये हैं जो आपने इक्वेशन को सॉल्व करके बनाई हैं। सो थ्री एक्स फोर वाई सिक्स थ्री, ये इजी लग रही है, सिर्फ थ्री है, वाई का कोई कोफिशेंट ही नहीं है, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू है थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन, y की जगह रखा माइनस थ्री, सो थ्री एक्स माइनस माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस वाई, वाई जो कि माइनस थ्री था, तो दो माइनस साइन यहाँ पर आएंगे इसीलिए हमने उसको ब्रैकेट में रखा है, इक्वल टू नाइन, थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री इक्वल टू नाइन, सो थ्री एक्स इक्वल टू नाइन माइनस थ्री, सिक्स एक्स इक्वल टू सिक्स बाई थ्री टू, x की वैल्यू है टू, x टू है, y माइनस थ्री है, ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा अभी इसको सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व करना है, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, तो सबसे पहले तो आप वही करेंगे, फ्रैक्शन में रखने की बजाय बेटर है कि हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व करके इनको एक आसान सी इक्वेशन बना लें इस तरीके से जैसे आपको पहले गिवन है, उसके बाद सॉल्व करें। तो हम पहले कर चुके हैं, कहने का मतलब है ये स्टेप्स इसमें एज इट इज़ रहेंगे। आपने यहाँ पर इनका एलसीएम लिया, ये किया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी, इसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, ओके। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू फाइंड करो या वाई की, या फिर इक्वेशन सेकंड से, सेकंड इक्वेशन से वाई की वैल्यू फाइंड करना आसान रहेगा क्योंकि वाई का कोई कोफिशियंट नहीं है। तो वाई इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 3x-9। वैसे अगर आप चाहो फर्स्ट से एक्स भी कर सकते हो, यहाँ से एक्स कितना होगा, -6 -4y/3। चलो यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स करते हैं क्योंकि बाई थ्री जाएगा, यहाँ पर 3x पहले से ही है, मल्टीप्लाई होकर वो कैंसिल हो जाएगा। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है, 3x+4y = -6। ठीक, सो 3x इक्वल होगा -6 -4y के, और x इक्वल होगा -6 -4y/3 के। ये थर्ड इक्वेशन है। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन टू में, क्योंकि हमने फर्स्ट से फाइंड की है, जिससे फाइंड करते हैं उससे दूसरी वाली में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू है 3x-y = 9, -y = 9। सो 3x कितना है, -6 -4y/3, x की जगह हमने रखा -4y/3, आगे है -y = 9, बाकी जो नंबर है वो एज इट इज, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, -6 -4y - y = 9 बचा, ये एज इट इज, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, y फिर 9। सो -6 -4y - y हो जाएगा -5y = 9, -5y को उधर ले जाते हैं, ओके ठीक है, -9 को इधर ले आते हैं, 5y उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, -6 - 9 = -15 = 5y, तो y इक्वल है -15/5 3 के, y = 3, और साइन माइनस का -3। यही हमारा एलिमिनेशन मेथड से था, y की वैल्यू मिल गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल था -6 -4y/3 के, -6 - 4y/3, -6 - 4y है -3, y की जगह रखा -3/3, x इक्वल -6, 4 3s are 12, और -, तो ये होगा +12/3, x इक्वल टू -6 + 12 = +6/3, 3 2s are 6, x सेट 2, y है -3, ओके। सेकेंड क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, इक्वेशंस बनानी है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, इनको हम करेंगे सेकेंड पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। होपफुली एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। इस बार एनसीईआरटी में बस यही दो मेथड्स हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था, देन ग्राफिकल मेथड भी था, ईजी कर दिया है, सिर्फ 3 ही एक्सरसाइजेज हैं। आई थिंक इससे पहले जो एनसीईआरटी है उसमें 3.6 3.7 तक भी था। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।